वोट करेंगे और ग्रासरूट लेवल पर ग्राउंड लेवल पर हमने किया हुआ काम जो है वो लोगों के नजरों में है और सब सेक्टर के लिए किया है निश्चित रूप से उसका पॉजिटिव परिणाम हमको मिलेगा और आप आप नागपुर से ही लड़ेंगे हाँ आप नागपुर से ही लड़ेंगे अब मैं नागपुर का सांसद तो दो बार वहां से चुनकर आया हूँ मैंने बड़े जीत करके बाकी बहुत लोकसभा मुझे उस समय कह रहे थे पर मैंने कहा कि मैं जहां रहता हूँ वहीं से लड़ूंगा तो थोड़ा डिफिकल्ट सीट थी अब पार्टी तय करेगी मैं ऐसा कहूंगा नहीं अगर टिकट देंगी तो नागपुर से ही लड़ूंगा बाकी निर्णय पार्टी करेगी क्योंकि आप बार बार कई बार कहते हैं ना कि राजनीति का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है तो वो ल, 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 लोग सोचने लगते हैं कि सर क्या नागपुर से नहीं लड़ेंगे आप नहीं आप मेरी बात को समझ नहीं पाते या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ मैं अक्सर एक बात बताता हूँ कि पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म और पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स सत्ता कारण ये केवल पॉलिटिक्स समाज कारण राष्ट्र कारण विकास कारण तो मैं हेल्थ सेक्टर में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग में वाटर कॉन्जर्वेशन में मैं करोड़ से ज़्यादा काम करता हूँ पर जब भी मुझे मिलते हैं तो रोड टनल और ब्रिजेस की बात करते हैं अभी मुझे छः यूनिवर्सिटी ने बड़ी टॉप डिलीट दी है उसमें से एक भी डिलीट मैंने रोड और टनल के लिए नहीं मिली एग्रीकल्चर साइंस के लिए तीन मिली है वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ अभी प्लांटेशन कर रहा हूँ बाम्बू का मेरी कल्पना है कि रोड में मैं ऐसी ग्रीन टनल तैयार करूँ कि बाम्बू से पूरा रोड ऐसा टनल ऐसी बने कि ग्रीन बन गया तो बहुत ऐसी है भाई अभी मैं बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया फिर रबर पाउडर हम बिटूमिन में यूज़ कर रहे हैं दिल्ली की गाजीपुर की टेकड़ी बीस मीटर नीचे चली गई हमने पूरा बीस लाख टन कचरा अभी वो रोड में डाला है फिर अहमदाबाद डोलरो रो रस्ते पर बीस लाख टन कचरा डाल रहे अभी मैं पूरा कचरा रोड में कैसे डालना उसकी योजना बना रहा हूँ फिर मैं पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव में तो 2004 से काम कर रहा हूँ हाइड्रोजन पे काम कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पर काम कर रहा हूँ इथेनॉल मिथेनॉल बायोडीजल परसों मैंने बंगलोर में मिथेनॉल पर चलने वाला अशोक लेलन का ट्रक लॉन्च किया फिर बंगलोर की बसेस जो है वो पंद्रह परसेंट डीजल में मिथेनॉल डालने का वो हुआ अभी इथेनॉल के फ्लेक्स इंजन की टू व्हीलर्स आई तो मैं पोल्यूशन में जैसे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी बहुत से इनिशिएटिव हमने रोड में लिए अभी प्लास्टिक हम लोग सात परसेंट डांबर में डाल रहे हैं और अभी सबसे अच्छी बात ये परली जो जलाते हैं पंजाब हरियाणा में तो मैं अभी एक स्कीम लॉन्च कर रहा हूँ कि इस देश का किसान अभी राइस स्ट्रॉ जो है परली है उससे विटोमिन बनाएगा बायो विटोमिन सेवेंटी परसेंट बायो 30 थर्टी परसेंट बायोचार दट इज ऑर्गेनिक कार्बन और आपको मुझे बता दो मैं ऐसे सोचता हूँ कि इस देश को अस्सी लाख टन विटोमिन लगता है पचास लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है और तीस लाख टन विटोमिन ये इम्पोर्ट होता है अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पच्चीस हजार करोड़ का इम्पोर्ट होता है ये पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसान तैयार करेगा ट्रैक्टर मोल्डेड 20 लाख का यूनिट है और अब किसान कहेगा कि इस साल मुझे 500 टन गन्ना हुआ